हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? तो बढ़िया हो। तो इससे पहले हम लाइट के टॉपिक्स कर रहे थे, तो आज भी हम लाइट को कंटिन्यू करते हुए कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो बेसिक हैं। आपको होपफुली पहले भी पता होगा, बट ये सब बेसिक्स करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि आपको आगे कोई जाके दिक्कत ना हो। तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट की लेटरल इन्वर्जन के बारे में, और जो इमेजेस बनती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेटरल इन्वर्जन की बात करेंगे, उससे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये पता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से वर्क करती है ना। जैसे ये यहाँ पे, ये आपको याद होगा, ये आप बड़े फैमिलियर हो इस चीज़ से। से फैमिलियर हो आप, है ना? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे बनता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से अब मैं आपको बताता हूं कि आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मिरर में अपनी इमेजेस देखते हो तो आपको लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। उस चीज को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब एक्चुअल में कैसे होता है? अब सपोज करो कि यहां पे कोई मिरर है, ये मैंने मिरर बना दिया, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है हम उसको हमेशा ओ से डिनोट करते हैं और आई को इमेज से डिनोट करते हैं। अब ये यहां पे मैं एक रे बना रहा हूं, इस तरह से एक रे आई और एक रे इस तरह से आई। देखो मैंने इसके दो पॉइंट से ले ली, एक इस पॉइंट से, इसके ऊपर वाले पॉइंट से, मतलब कि एक यहां से एक यहां से। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये देखो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये ऊपर वाला, मतलब कि दोनों पॉइंट से मैंने इसके रे निकाली। अब एक रे आई यहां पे, ये इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी। अभी ऐसे स्ट्राइक हुई और ऊपर चली गई, यहां पे भी ये स्ट्राइक हुई और ऊपर चली गई। अब यहां पे क्या था, यहां पे आई है, मैंने यहाँ पे आई बना दी, ठीक है? ये आई है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो बस ये आई है, ई बाई ई आई, ठीक है ना? आंख। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है नीचे की तरफ, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आया, मैंने इन दोनों को वापस से एक्सटेंड किया तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आया इमेज पर। तो इस तरह से हम जब भी बनाते हैं रे डायग्राम, इस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो है रे शुरू होगी, इस तरह से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब एक्चुअल में तो रिफ्लेक्शन होके यहां से यहां गया और हमारी आईज में आया, बट ये जो चीज है ना, ये जो ये यहाँ पे मैंने मिरर लिया हुआ था, अब जो ये चीज है ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट हम इमेज को हमेशा मिरर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हम यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन मैंने ड्रॉ की, अब एक्चुअल में जो लाइट की रे है वो अब मिरर के अंदर तो नहीं गई, मिरर के अंदर तो नहीं गई ना, बट क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गई, लेकिन हमें इमेज कहाँ दिखेगी? इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था ना, मैंने बताया था आपको, जितना मिरर से इधर होते हैं हम उतना ही मिरर से उधर भी होते हैं, मतलब कि दोनों साइड बराबर होते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर आपका मिरर हो और आप यहाँ पे खड़े हो तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर के अंदर भी होगा, वो बराबर होगा, मतलब ये दोनों चीजें सेम होगी। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, ये वर्चुअल लाइन ड्रॉ करी, वर्चुअल लाइन ड्रॉ करी और हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला इमेज का। अब ये इतना ही दूर होगा जितना यहाँ होगा, और हमें जो इमेज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि जो लेफ्ट उसका होगा वो राइट हो जाएगा और जो राइट उसका होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन।
इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि आप जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो ना, जितना भी कुछ ऑब्जर्व करते हो, मतलब अभी आप मुझे भी देख रहे हो, आप अपने मोबाइल को देख रहे हो, आप बाहर भी वर्ल्ड में कुछ भी देख रहे हो वो आपको उल्टा दिखता है। मजाक नहीं कर रहा, सच में उल्टा दिखता है। क्या हुआ, घबरा गए थे? सब कुछ उल्टा दिखता है, बट हमारा जो ब्रेन है, मतलब कि हमारे जो रेटिना में जो इमेज बनती है ना, वो हमेशा उल्टी बनती है। मतलब कि हमारे जो रेटिना की इमेज है वो उल्टी बनती है हमेशा, बट हमारा जो ब्रेन है वो उसे सीधा करके दिखाता है। अभी हमारे ब्रेन का कारीगरी है, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ब्रेन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम क्या कहते हैं अच्छे और इंटेलिजेंट लोग हैं कि हमारा ब्रेन इतने अच्छे वर्क करते हैं कि, बट इन एक्चुअल देखो भगवान ने हमको कैसा बनाया है कि हमारी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि आपकी आंखों में जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा अपोजिट बनती हैं। मतलब कि अगर मैं आपको ये मार्कर ऐसे दिखा रहा हूँ तो इन एक्चुअल आपके जो रेटिना की इमेज बनी होगी वो ऐसे बनी होगी, और आपको आपके ब्रेन ने इसको सीधा करके दिखाया होगा। हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो हमेशा खाली स्पेसिस को भरने की कोशिश करता है, जो उसे चीज़ पसंद नहीं आती वो उसे समझता ही नहीं, ऐसा होता है। चलो ये सब टॉपिक्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि लेफ्ट आपको राइट दिखता है और राइट आपको लेफ्ट दिखता है। उसके बाद हमने बात करनी है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर इमेजेस की, जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछा कि डिफ्यूज्ड इमेजेस और इरेगुलर इमेजेस क्या होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने जो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करे हैं वो इस तरह से करे हैं कि आपकी लाइट की रे आई इस तरह से स्ट्राइक हुई और ऐसे चलेगी, मतलब कि जितना की एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह से आपकी रे आई और इस तरह से चलेगी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ लोगों को इसको देख के वो याद आ गया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, ये भी उसी तरह का नहीं है, कभी समझ लो कि मैं सिर्फ एक बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा होते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज आई और आर, ये बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दिस मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक और चीज़, ये देखो ये जो इनकमिंग जो आपकी इंसिडेंट रेज है ये सारी पैरेलल है ना, मैथ पढ़ते हो ना, ये सब पैरेलल है, और जो आपकी बाहर जा रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये वाली इमेजेस ये सारी भी पैरेलल है। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शंस है, कि ये जो ये इमेजेस होती हैं रेगुलर होती हैं, और इस ये जो है वो ऑबे करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये चीजें ऑबे करती हैं। अब आती है बारी इरेगुलर की, या डिमिनिश्ड की, या डिफ्यूज्ड की। अब वो आपको मैं यहां पे बताता हूं, इधर आ जाओ, यहां स्पेस थोड़ा और खाली है, ये देखो। अब आती है इस तरह की, सपोज करो एक हमारे पास सरफेस है, ये आपका सरफेस है। अब ये सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, मतलब कि ये जो सरफेस है वो खुरदुरा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे इस तरह से खराब सरफेस है, मतलब आप कह सकते हो कि सरफेस फ्लैट नहीं है, सरफेस जो है वो थोड़ा सा खराब है। तो वो क्या करेगा, वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, मतलब कि देखो रे लाइट की रे आएगी बट ये प्रॉपरली टकरा नहीं पाएगी, वो या तो ऐसे चली जाएगी, वो आएगी वो ऐसे चली जाएगी, ये आई ये ऐसे चली गई, मतलब कि जो सॉरी लाइट की रे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब कि एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो जो सरफेस है वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि वो सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, वो ये देखो ये इस तरह से, क्योंकि ये सरफेस में स्मूथ नहीं है, सरफेस स्मूथ नहीं है, इस वजह से एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल नहीं है, और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो
वो फॉलो नहीं हो रहा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट फॉलो। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या फिर इर रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो तरह की हैं। एक तरह में आपका जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर होती है, जिसमें आपका ऑबे होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं एल ओ आर लिख रहा हूँ इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरे में नॉट ओबे होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, रेगुलर और इरेगुलर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे नहीं करते। अब एक और क्वेश्चन आता है मन में कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं करते तो मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया, एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया। ऐसा नहीं है, लॉज तो कभी फेल नहीं होते। अब एक्चुअल में ये यहाँ पे ओबे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो आपका सरफेस है वो स्मूथ नहीं था, सरफेस स्मूथ नहीं था। अगर सरफेस स्मूथ होता तो वो ओबे करता, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो वो कैसे ओबे करेगा। अगर सरफेस स्मूथ होता है तभी एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तभी सेम हो सकती है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होता तो वो चीज ओबे नहीं कर सकती। ये डिसओबे हुआ, ये आपका जो रूल है ये डिसओबे इसीलिए हुआ ड्यू टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो सरफेस था वो खराब था, वो खुरदरा था या वो थोड़ा टूटा हुआ था या किस कैसा भी था, इस तरह का था, ऐसा हो टूटा फूटा हो, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं था। इस केस में ओबे करता, इस केस में नहीं करता। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, बड़ी आसान सी है। होपफुली ये आज का हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जो हमारी बातें रह गई। इसके बाद मुझे आपको भाई रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है ये भी बताना है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपने देखा भी होगा कि आप बार्बर के पास कभी हेयर कट करवाने जाओ तो वो आपको बैक साइड के हेयर दिखाने के लिए हमेशा एक और मिरर उठा के दिखाता है कि सर आपके पीछे से हेयर ठीक लग रहे हैं। वो कैसे होता है, वो रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है। हमें आप बीच में हो, आपकी इमेज वो इस तरह से दिखाता है कि आपको बैक साइड का दिख सकता है, तो वो पीछे की इमेज आपको आगे दिखती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे है, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आती है। हालांकि इस टॉपिक में है कुछ नहीं, इतना ही है कि रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमने और मल्टीपल इमेजेस का भी टॉपिक करना है, वो सब ने आप लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी मिरर के उसमें गए हो म्यूजियम में तो आपने वहाँ ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे आप खड़े होते हो आपको दिखते हो कि आप बहुत सारे हो गए, या फिर कई अलग अलग तरह की आपको इमेजेस दिखते हैं। वो सब जो है वो मिरर के क्या कहते हैं मैजिक्स होते हैं जो हमें इस तरह की चीज़ें हमें दिख जाती हैं। तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।